मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से शिमला में कई बार मुलाकात कर चुके राजस्व नंबरदार जन कल्याण संघ ने उपायुक्त हमीरपुर के माध्यम से अपनी मांगों का ज्ञापन एक बार फिर से मुख्यमंत्री को भेजा और खेद जताया कि मुख्यमंत्री के आश्वासनों को बावजूद आज तक राजस्व नंबरदारों को बैठक के लिए नहीं बुलाया गया। ज्ञापन में संघ ने सरकार के समक्ष 7 सूत्रीय मांगे भी रखी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से शिमला में कई बार मुलाकात कर चुके राजस्व नंबरदार जन कल्याण संघ ने उपायुक्त हमीरपुर के माध्यम से अपनी मांगों का ज्ञापन एक बार फिर से मुख्यमंत्री को भेजा और खेद जताया कि मुख्यमंत्री के आश्वासनों के बावजूद आज तक राजस्व नंबरदारों को बैठक के लिए नहीं बुलाया गया। ज्ञापन में संघ ने सरकार के समक्ष 7 सूत्रीय मांगे रखी हैं। साथ ही संघ ने उपायुक्त से राजस्व नंबरदारों को पहचान पत्र जारी करने की मांग की ताकि नकली राजस्व नंबरदारों से लोगों को बचाया जा सके। राजस्व नंबरदार जन कल्याण संघ के जिला अध्यक्ष सुरदीप ठाकुर ने बताया कि संघ ने सरकार के सामने 7 प्रमुख मांगे रखी हैं, जिनमें प्रमुख है राजस्व कार्यों में नंबरदारों के द्वारा ही शिनाख्त होनी चाहिए। इसके साथ ही साल 2009 में की गई नोटिफिकेशन जिसमें कोई भी व्यक्ति अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड या अन्य पहचान पत्र दिखाकर अपनी शिनाख्त कर सकता है, उसे निरस्त करना। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि सरकार प्रदेश के नंबरदारों को पंचायत में स्थायी मनोनीत सदस्य नियुक्त किया जाए और उन्हें जिला मुख्यालय पर नंबरदार कक्ष का प्रबंध करवाया जाए। उन्होंने सरकारी कर्मचारियों की तरह विश्राम गृह में कम कीमत पर ठहरने के लिए कमरे पर मुफ्त बस सुविधा और हरियाणा सरकार की तर्ज पर 3,000 मासिक वेतन देने की मांग भी की है। डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से सीएम को एक मेमोरेंडम जो है वो दिया हुआ है, जिसमें हमारी जो डिमांड थी उसके बारे में हमने सारा ये बताया उनको कि हमारे जो 2009 में एक नोटिफिकेशन हुई थी कि जिसके आधार पर जो है नंबरदारों की शिनाख्त के बजाय जो भी अपना आधार कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड जो भी उनका प्रूफ होता था उसके आधार पर जो शिनाख्त होती थी, जो कि जिससे यहाँ पे जो बाहर के लोग हैं उन्होंने ज़मीनें खरीद बेचना को शुरू किए हैं, जो कि गलत शिनाख्त हुई है लोगों की, वो बंद करवानी चाहिए और होनी चाहिए। हमारा ये मेन मुद्दा रहेगा। और दूसरी बात ये कि हमने यहाँ पे डीसी के माध्यम से जो सीएम को लेटर इशू किया उसमें हमारी जो मुख्य मांगें ये हैं कि जो ऑनरेरियम है हमारा मानदेय जो है वो पंजाब पैटर्न पे जो है हिमाचल इज बेस्ड ऑन टोटली पंजाब पैटर्न, जो पंजाब के आधार पर नंबरदार को जो मामला वो 3,000 रुपये पर मंथ शो को दिया जाता है, तो हमें जो मामला 1,500 रुपये जो हर महीने का दिया जा रहा है 2017 से, तो वो मामला जो हमारा 3,000 रुपये जो हमारा ऑनरेरियम जो मिलना चाहिए, और जो भी शिनाख्त है वो नंबरदार करें, अपने हलके के नंबरदार करें, बाहर का जो भी शिनाख्त है वो बाहर का नंबरदार जो नहीं करेगा। इससे हमारा जो भूमि से संबंधित जितने भी कार्य हैं वो सुचारू तरीके से चलेंगे और इसमें किसी प्रकार की कोई गड़बड़ जो नहीं होगी, तो मेन हमारा इसी चीज़ के ऊपर था। और पूरे प्रदेश में जो हर जिले से जो डीसी के जो सीएम को हमने ये लेटर अपनी डिमांड्स के बारे में हमने दिया हुआ, डीसी ऑफिस की तरफ से आइडेंटिटी कार्ड जो अगर इशू किया जाता है तो हमारी एक शिनाख्त की पहचान होगी, कोई भी बाहर का आदमी जो हो उसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, फिर हमें आइडेंटिटी मिल जाएगी जिसको हम कहीं भी अपनी आइडेंटिटी जो दिखा सकते हैं। जैसे हम बाहर दूसरे स्टेट्स में जाते हैं तो वहाँ पे हमें दिक्कत होती है कि हमारी जो पहचान जो है वो नहीं हो पाती है, तो उसके लिए हमने डीसी साहब से ये भी रिक्वेस्ट की कि हमें जो है आइडेंटिटी कार्ड जो नंबरदारों को इशू किए जाए।